नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 खंड 4 में जितने भी यूरोप है और यूरोप के कुछ देश हैं वो पूरा कवर करेंगे और इसी के साथ क्लास 7 एनसीईआरटी आज फिनिश हो जाएगी। खंड 4 यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप के कुछ देश भी ले लेते हैं आप, देखेंगे यूके, जर्मनी, रूस और एक और देश है कोई, फ्रांस। पहले तो हम यूरोप महाद्वीप के बारे में आते हैं, इसको मिटा देते हैं। यूरोप महाद्वीप 7 महाद्वीपों में इसका नंबर 6वें का है, छठवां बड़ा महाद्वीप है ये। एक डायग्राम थोड़ा ले लें, यूरोप महाद्वीप। ये यूरोप महाद्वीप, ये ऊपर वाला पूरा यूरोप महाद्वीप, नीचे इसके अफ्रीका है, इस साइड में इसके एशिया है। एशिया से कट नहीं है ये बाय लैंड, लेकिन चूंकि हमको यूरोप महाद्वीप सेपरेट करना था, इस कारण से हमने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया। और रूस को अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा रूस, यहां से यहां तक पूरा रूस, ये पूरा यूरेशिया में, यूरोप और एशिया को लेते हुए है, इसलिए उसे यूरेशिया में कहा जाता है। ये जो यूके है ये यूरोप से पृथक है, इंग्लिश चैनल के द्वारा ये अलग होता है यूरोप से। अब यूरोप के पूर्व में, यूरोप के पूर्व में क्या है, यूरोप के पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये उत्तर में क्या, ये मैं पूरा आपको बताता हूं कि क्या क्या है। आप इस साइड में जब आप जाएंगे पश्चिमी यूरोप के, तो अटलांटिक महासागर है, और इसके दक्षिण में जब आप जाएंगे तो भूमध्य सागर है, और इसके पूर्व में जब आप जाएंगे तो पर्वत से यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर है। ये तीन है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ये यूरोप की ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। यूरोप में अनेक द्वीप और प्रायद्वीप हैं, फैक्ट का भंडार है, लगातार फैक्ट चलते रहते हैं, फैक्ट जितना भी डिलीवर कर पा रहे हैं वहां, यहां पर पूरा मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं पहले चूंकि मैप से समझाने में ज्यादा आसानी रहती है, इसका मैप को मैं पहला काम करता हूं, मैप को बना दिया करता हूं। अब आप आगे आएंगे, यूरोप में कुछ स्कैंडिनेवियाई देश हैं, कुछ बाल्टिक देश हैं, कुछ बालकन देश हैं। इनका इनको नाम दे दिया गया कि ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ये बालकन देश। हमेशा से इस ये एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन देश सम्मिलित हैं। हम नाम बता दे रहे हैं, स्कैंडिनेवियाई देश में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। ये बाल्टिक राज्य में क्या है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये है बाल्टिक देश। और बालकन देश में कौन से आते हैं, स्लोवेकिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और एक है अल्बानिया। ये सारे बालकन प्रायद्वीप में आते हैं, बालकन प्रायद्वीप कहा जाता है, बालकन प्रायद्वीप में आते हैं सब। अब आते हैं यूरोप में ही एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, जो कैथोलिक चर्च का मेन प्रमुख सेंटर है,
और दुनिया का सबसे छोटा देश भी उसे कहा गया है जनसंख्या के मामले में, कुछ सैकड़ों की ही जनसंख्या है। पोप का निवास स्थान भी वेटिकन सिटी को कहा गया है, जो पोप चुने जाते हैं ईसाई धर्म के वो वेटिकन सिटी में ही वहां पर रहते हैं। अब आगे आते हैं, यूरोप को चार भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर एक, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, इधर की भूमि उच्च होती ऊंची होती दक्षिण से। यूरोप के उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान यहां पे मैदानी भाग भी कुछ है, हालांकि पर्वत पठार तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ जगहों पे मैदानी भाग भी है उत्तर की साइड में। और मध्यवर्ती उच्च भूमियां, मध्यवर्ती उच्च भूमियां पाई जाती हैं। आल्पस पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला भी यही पाई जाती है। ये चार भौतिक विभागों में यूरोप को बांटा गया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट, एक तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, एक भूमध्य सागरी जलवायु है यूरोप में। दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे स्टेपीज कहा जाता है, हालांकि इसका विस्तार रूस तक है, स्टेपीज ग्रासलैंड का, जैसे हमने साउथ अमेरिका में बताया था, साउथ अमेरिका में लानोस, कंपास, पंपास, ये सब घास के मैदान है, उसी प्रकार यहाँ पे स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या संसाधन और उपयोग क्या क्या इनका है। कृषि पशुपालन यहां पर एक साथ होता है, जिसे मिश्रित खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती कई बार पूछा गया चुका है, मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है, तो जहां पर ऐसी खेती जहां पर कृषि और पशुपालन एक साथ साथ किया जाए उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। अब फसल में क्या, गेहूं, जौ, राई, ये सब यहां की प्रमुख फसलें हैं यूरोप की। और सेब, जैतून, अंजीर, आड़ू और संतरे, ये सब यहाँ के फल हैं। जैतून का तेल बहुत फेमस है, इटली या फ्रांस में पाया जाता है। फ्लावर में आप आ जाएंगे, नीदरलैंड का ट्यूलिप बहुत फेमस है, आप देखे होंगे ऐसे ट्यूलिप ऐसे होता है, ऐसे फूल है ऐसे ट्यूलिप का, और ये एक डंडी खाली, ये ट्यूलिप बहुत फेमस फूल है ट्यूलिप। यहां पर इंडिया में हमने मुगल गार्डन में उसको देखा था कि ट्यूलिप का खोज के देखे कि भाई ट्यूलिप का प्लांट है कहां, जरा हम भी देखें, तो ये हमको नजर आया था, ये ट्यूलिप का फ्लावर, कोई पत्ते नहीं होते इसमें, बस ऊपर एक छोटा सा फूल आता है। और खेती की यहां पर वैज्ञानिक विधियां होती, जैसे हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया में खेती बहुत बड़ा लैंड है ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे वैज्ञानिक विधि से ही खेती की जाती है, उसी प्रकार यहां पर लैंड तो बहुत, ऑस्ट्रेलिया कितना नहीं है लेकिन छोटे छोटे देश हैं, तो वैज्ञानिक विधियां यहां पर इस्तेमाल की जाती है खेती के लिए। और गेहूं के जो गेहूं यहां प्रोडक्शन होता है उसके आटे से ब्रेड रोटी, पेस्टीज, ये सब बनाए जाते हैं। फलों के उत्पादों से जैम और जेली बनाया जाता है। अंगूर की भी खूब खेती होती है यहां पर यूरोप में। डेनमार्क आप जानते होंगे डेयरी प्रोडक्शन के मामले में नंबर एक है, डेनमार्क भी यहां पे कहीं पे डेनमार्क भी, हालांकि अलग कंट्री है, आप कल डेनमार्क भी है, आगे अब इसमें मैप में शामिल नहीं हो पाएगा, नहीं बताते। आगे आते हैं, भेड़, मुर्गी और ये सब जो जानवर है ये यहाँ पे पाले जाते हैं, और मांस उत्पादन भी पर्याप्त होता है। मांस को ये प्रिजर्व करके रख देते मसालों में ताकि वो खराब न होने पाए। वनों से लकड़ी काटना इनका प्रमुख धंधा। वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, रूस में भी वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां से लकड़ी काटना इन लोगों का प्रमुख धंधा होता है। और क्या खास, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, गंधक, पोटास, ये सब यहाँ के खनिज है जो कि प्राप्त होते हैं। नीदरलैंड ने जल संसाधनों का अच्छा विकास किया। नीदरलैंड ने क्या किया है कि ये मान ली समुद्र है, ठीक है, अब इस समुद्र से ऐसे ही उसने इधर बैरियर बना दिया, मिट्टी उट्टी डाल के ओकर बना दिया, अब ये यहां पे किनारे धीरे से इसका पानी निकाल दिया, पानी फिर इस साइड में निकाल दिया, अब इसको कैप्चर कर लिया, इसका जमीन थोड़ा बढ़ गया, यहां पर खेती करने लगे लोग नीदरलैंड वाले। इन्होंने खेती के लिए लैंड के लिए और अधिक समुद्र से लैंड लेने की कोशिश की है नीदरलैंड वालों ने।
ये यहां पर योगा पूरे पूरे यूरोप का एक समराइज फॉर्म में पूरी जानकारी। अब आगे एक एक देश करके आते हैं, छोटे 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 देश हैं, एक एक देश करके आते हैं। अब हम यूरोप के एक देश को लेते हैं, पहले सबसे पहले हम लेते हैं यूके को, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन है और आयरलैंड, इन दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। ठीक, अब यहां पे क्या खास बात है, सभी ओर यह समुद्र से घिरा हुआ है, सभी ओर। यहां की नेवी बहुत स्ट्रांग है यूनाइटेड किंगडम की। इनकी एक बार रणनीति थी कि जितना इनके पास इतनी नेवी होनी चाहिए कि जितना यूरोप में नेवी हो उसका एक तिहाई इनके पास रहना चाहिए, ये इनकी पॉलिसी थी। नेवी बहुत स्ट्रांग इनकी भाई, और ये हमने पहले ही बताया, ये इंग्लिश चैनल के द्वारा यूरोप से सेपरेट होते हैं ब्रिटेन के लोग। भेड़ पालन पशुपालन यहां का प्रमुख पेशा है, जानवरों को पालने का। यहां की भूमि बहुत ऊंची नीची नहीं है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र लिवरपूल, ग्लासगो और यूरोप न्यूकैसल और साउथहैम्पटन। गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर, सब्जियां, फल, ये सब यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। चुकंदर से आप यहाँ पूरे यूरोप में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। हम लोग तो गन्ने से चीनी बनाते हैं, वो लोग चुकंदर से भी चीनी। अगर जहां पे गन्ना नहीं होता होगा वहां पे चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे आते हैं, एक यूके हो गया, अब हम आगे आते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस राजधानी पेरिस। पिरेनीज पर्वत दक्षिणी सीमा के साथ फैले, फ्रांस भी यहीं कहीं पर है। इसमें पूरा लोकेट, पूरा यूरोप में इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया जा सकता है। पिरेनीज पर्वत दक्षिणी सीमा के साथ फैले हुए हैं, और ये पिरेनीज पर्वत इसको स्पेन भी इसके सटा हुआ है, स्पेन से इसको सेपरेट करते हैं फ्रांस। आल्पस पर्वत का विस्तार फ्रांस के दक्षिणी सीमा पर आल्पस पर्वत, बहुत नाम आपने सुना होगा नेपोलियन के समय से, ये आल्पस पर्वत। एक बार नेपोलियन की सेना क्रॉस नहीं कर पा रही थी वहां पे, नेपोलियन ने कहा कि सेना ने कहा कि सर सामने वो है आल्पस पर्वत है, तो नेपोलियन ने कहा हमको तो दिखलाई नहीं पड़ा, क्रॉस करो। देखते ही देखते पूरा आल्पस पर्वत उसकी सेना क्रॉस कर गई। मनोबल, अगर सेनापति का मनोबल इतना तगड़ा है कि वो अपने जो सैनिक खुद में बैठा सके, तो निसंदेह बड़ा सा बड़ा लक्ष्य भी बहुत आसान हो जाया करता है। ये तो फ्रांस का था, चलिए आगे चलते हैं। लॉयर्स फ्रांस में बहुत ज्यादा होता है। गेहूं इस देश की महत्वपूर्ण फसल, गाय, बैल, सुअर, मुर्गियां ये सब यहां के प्रमुख जानवर जो कि पाले जाते हैं। पिरेनीज फ्रांस की दक्षिणी सीमा तो बता ही चुके हैं। ये पूरा छोटा सा जानकारी हो गया फ्रांस के बारे में। अब फ्रांस की बात हम आगे पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी पहले दो भागों में विभाजित हो गया था, लेकिन 1990 में दोनों जर्मनी फिर आपस में विलय कर लिए, फिर अब एक नए जर्मनी का उदय हुआ। अब आगे जर्मनी कंटिन्यू कर रहा है। अब यहां पर क्या क्या है भाई, रू कोयला, लॉयर्स, सीसा, तांबा, पोटास, बड़ी बड़ा भंडार है जर्मनी में। हाँ, खनिज संसाधन के मामले में बहुत बहुत आगे है जर्मनी। और उच्च भूमियों में और पर्वतों पर शंकुधारी वन भी हैं। प्रमुख उद्योग क्या है भाई यहां पर, लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब प्रमुख उद्योग है। विस्फोटक बनाने के लिए भी कृत्रिम रबड़, विस्फोटक यहां भी बनते, कृत्रिम रबड़ है, रोगाणुनाशक का कीटनाशक, ये सब यहां पे प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। और क्या, अंगूर की खेती यहां पर होती है जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी का बहुत बड़ा नगर है। अब आगे आते हैं हम लास्ट कंट्री की तरफ, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, और आप समझ सकते हैं पावर के लिहाज से भी आज रूस, अमेरिका, रूस यही दो ही रहे हैं। चीन तो बीच में पुद के चला आया करता है, लेकिन रूस अभी भी बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, 1991 के पहले
रूस का नाम सोवियत संघ था, वो विभाजित नहीं हुआ था। लेकिन 1991 में वहां पे जो जबरदस्त आर्थिक मंदी आई उसकी वजह से रूस विभाजित हो गया 15 अलग अलग छोटे छोटे देशों में, और 15 में से 3 तो फिर अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग संघ बनाया। लेकिन बाकी जो 12 थे उन्होंने सिस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया, और वो एक राष्ट्रकुल सदस्य बन गए रूस, और रूस उसका वो हो गया, मुखिया हो गया। अब उसका नाम सोवियत संघ से रूस हो गया। आगे चलते हैं, रूस यहां पर यूरोपीय रूस घास का मैदान, रूस में घास का मैदान है जो स्टेपीज कहा जाता है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, पश्चिमी पश्चिमी साइबेरिया, उसके ऊपर में आप जान उसके ऊपर में आप जानते हैं साइबेरिया वाला रीजन आया था जो बहुत ही कोल्ड है, और पश्चिमी साइबेरिया का मैदान होता है, मध्यवर्ती साइबेरिया का पठार पाया जाता है, और एनएसी और लीना नदियां भी यहां पर पाई जाती। काकेशस पर्वत रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, काकेशस पर्वत रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। एल्ब्रुस रूस शिखर, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। गेहूं जौ राई ये सब यहां की, चुकंदर आलू ये सब यहां की प्रमुख फसलें हैं, और 48% भाग, लगभग 40 या 48% भाग यहां पर रूस का वनों से ढका हुआ है। सीसा, टीन, जस्ता, तांबा, प्लेटिनम ये सब यहां के प्रमुख खनिज हैं। कोयला कुजनेटेस्क बेसिन में पाया जाता है रूस में, और रूस का जो मास्को है, मास्को उसकी राजधानी है, वो लगभग 4 या 5 महासागरों से घिरा हुआ एक पत्तन है। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लेडोगा झील और स्वेज सागर, इनसे वो घिरा रहता है। अब ये पूरा का पूरा रूस के बारे में डिटेल बता दिया, फैक्ट पूरा ज्यादा पूरा एस्टिमेट नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट के साथ अगर फैक्ट मिक्स हो तो वो एस्टिमेट हो जाता है, फैक्ट जब नहीं एकदम फैक्ट ही चलने लगता तो कुछ देखना पड़ता कि आपको फैक्ट डिलीवर किया जा सके, कहीं गलती नहीं होने पाए। ये पूरा यूरोप के बारे में, रूस के बारे में छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे देशों के बारे में अवेलेबल करा, यहां से लगभग जितना अभी हमने डिलीवर किया फैक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए आ जाएंगे आईएएस में, पीसीएस में भी, और छोटे एग्जाम में भी आ जाएंगे। और हर महाद्वीप से, 7 महाद्वीप हैं छोटे बड़े मिलाकर, हर महाद्वीप से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आज आपका क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीटली फिनिश हुआ। अब हम कल हमारा तो भाई मोटिवेशनल स्टोरी है, कल मोटिवेशनल करेंगे, फिर अगर संडे को टाइम मिला संडे से हम क्लास 8 स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो मंडे से फिर हम क्लास 8 स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।